एजेंट साई श्रीनिवास अथ्रेया। ये 2019 की एक तेलुगु कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर डिटेक्टिव फिल्म है, डायरेक्टेड बाय स्वरूप, स्टारिंग नवीन पुलिस शेट्टी एज एजेंट साई श्रीनिवास अथ्रेया और श्रुति शर्मा एज स्नेहा। ये फिल्म उन फिल्मों में से एक है जहां पर मैं आपसे कहने वाला हूं कि भाई इस फिल्म को देखने से पहले आप इसका ट्रेलर भी मत देखना और ना ही इसके बारे में आप कुछ पढ़ना, और मैं इसकी कहानी आपको बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि जितना ब्लैंक माइंड से आप ये फिल्म देखेंगे उतना ही ये फिल्म आपको सरप्राइज करेगी। बिल्कुल ये ऐसी ही एक फिल्म है। अभी 2 महीने पहले जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तब मैंने बुक माई शो पर इसका नाम भी देखा था, रेटिंग भी देखी थी, करीब 89% की रेटिंग थी, अभी भी उतनी ही रेटिंग है, और तभी से मैं ये फिल्म देखना चाह रहा था, पर उस समय हमारे यहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई थी थिएटर में। और अभी एक हफ्ते पहले जब ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियोज़ पर रिलीज़ हुई तब कल जाकर आखिरकार मैंने ये फिल्म देखी, और डेफिनेटली ये फिल्म आज तक की भारत में बनी हुई वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव फिल्म है, जिसमें एक फ्रेंचाइजी पूरी सीरीज बनने की क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं। फिल्म के दोनों ही लीड कैरेक्टर्स यानी नवीन पुलिस शेट्टी और श्रुति शर्मा, दोनों की ये मुख्य पात्र के रूप में पहली फिल्म है। हालांकि नवीन पुलिस शेट्टी इसके पहले कुछ 2 फिल्मों में सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल प्ले कर चुके हैं, पर श्रुति शर्मा की तो ये पूर्ण रूप से पहली फिल्म है। हालांकि लेकिन दोनों को ही देखते समय, खासतौर पर नवीन पुलिस शेट्टी को देखते समय, कहीं पर भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी नए एक्टर की फिल्म देख रहा हूँ। कई बार तो एक्टर तो काफ़ी पुराने होते हैं लेकिन जब हम किसी एक्टर की फिल्म पहली बार देखते हैं तो उतना जल्दी हम उनके साथ में जुड़ नहीं पाते हैं, घुल मिल नहीं पाते हैं, पर नवीन पुलिस शेट्टी के साथ में ऐसा मुझे कहीं पर भी लगा नहीं। फिल्म की शुरुआत से ही मैं बस उस कैरेक्टर के साथ में जुड़ गया था। एजेंट साई श्रीनिवास अथ्रेया शेरलॉक होम्स को अपना गुरु मानता है, अपने प्रोफेशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसका चीज़ों को देखना, समझना, परखना, ये सारी बातें हमें काफ़ी आश्चर्यचकित भी करती है, पर उसके इतना बुद्धिमान होते हुए भी उसे आज तक एक भी बड़ा केस नहीं मिला होता। पैसों की बहुत तंगी होती है पर फिर भी वो अपने प्रोफेशन के रूल्स को लेकर, अपने बाहरी पहनावे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इन बातों को वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, भले ही उनकी वजह से उसे कितनी ही शर्मनाक परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, पर वो अपने रूल्स को कभी तोड़ता नहीं है। उसके इस बाहरी आडंबर का डायरेक्टर ने ह्यूमर के लिए, कॉमेडी के लिए बिल्कुल परफेक्टली यूज़ किया है। एजेंट की स्नेहा नाम की एक असिस्टेंट भी है जिसे हम एक ट्रेनी भी कह सकते हैं। देखिए जब ये फिल्म शुरू हुई तो शुरुआत में मुझे ये फिल्म किसी कॉमेडी फिल्म की तरह लगी और लगा कि चलो ये कोई किसी डिटेक्टिव फिल्म का स्पूफ वगैरह होगा, कोई स्पूफ फिल्म होगी, लेकिन 15-20 मिनट के बाद में मेरा फिल्म की तरफ देखने का नज़रिया ही पूरी तरीके से बदल गया। धीरे धीरे फिल्म की कहानी मुझे जकड़ती गई, मेरा इंटरेस्ट फिल्म में बढ़ता गया और आखिर तक फिल्म ने बिल्कुल सस्पेंस बना कर रखा। मैं काफ़ी देर तक गेस कर रहा था कि चलो क्या हो रहा है, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, पर आखिर तक मैं गुत्थी को सुलझा नहीं पाया, क्योंकि फिल्म में ऐसा नहीं कि एक मर्डर हो गया, 3-4 सस्पेक्ट्स है, एक घटना हमें दिखा दी और हमें बस गेस करना है कि अब मर्डरर कौन है, खूनी कौन है। यहाँ पर ऐसे नहीं है, कई सारी घटनाओं को एक साथ में उन्होंने जोड़ा है, ढेर सारे कैरेक्टर्स है और जो मर्डर है उसमें भी डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं होता। इन सारी बातों की वजह से हम गेस नहीं कर पाते कि आखिर फिल्म में हो क्या रहा है। हाँ, फिल्म की शुरुआत के 5-10 मिनट में मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि ये फिल्म अंधश्रद्धा के विरोध में कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि फिल्म में काफ़ी जगहों पर, केवल एक जगह पर नहीं, काफ़ी जगहों पर जो फिल्म का लीड कैरेक्टर है वो भी अंधश्रद्धा के विरोध में कुछ बातें कहता है या उसके दुष्परिणाम हमें अलग अलग प्रकार से दिखाने की उन्होंने कोशिश की है फिल्म की शुरुआत से। तो इतनी बात हम समझ जाते हैं कि भाई इस फिल्म के एंडिंग में वो कुछ अंधश्रद्धा के विरोध को लेकर मैसेज ज़रूर देने वाले हैं, पर आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये सारी घटनाएं, ये समझने में, ये गेस करने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। देखिए दोस्तों, आज भी हमारे देश में कई सारे लोग मोहन, मारन, वशीकरण, काला जादू, टूना टोटका, इस प्रकार की अंधश्रद्धा के शिकार है कई सारे लोग, और ये फिल्म भी अंधश्रद्धा के दुष्परिणाम ही बताने की कोशिश करती है। तो चलिए थोड़ा सा हम अंधश्रद्धा के बारे में चर्चा करते हैं। श्री गुरु गीता में भगवान शिव जी और पार्वती जी के बीच में एक संवाद आता है। पार्वती जी भगवान शिव जी से पूछती है कि जो निषिद्ध गुरु होते हैं यानी जो मोहन, मारन, वशीकरण वगैरह करते हैं, उनके मार्ग का अनुकरण, उनके मार्ग पर अगर कोई शिष्य चले तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो काला जादू, मोहन, मारन, वशीकरण वगैरह करते हैं, उनको कभी भी मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती, वे हमेशा पशु योनि में ही रहते हैं ब्रह्म प्रलय पर्यंत। इस प्रकार यानी इतना भयानक पाप ये काला जादू और टूना टोटका को हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसी श्री गुरु गीता जी में भगवान शिव जी हमें आत्मज्ञान की भी महिमा बताते हैं, जिसे मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कहा गया है। आप चाहे श्री गुरु गीता जी पढ़ लीजिए, या फिर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिए, या फिर योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ लीजिए, या फिर हमारे कोई भी शास्त्र या वेद आप पढ़ लीजिए, सब में एक ही बात कही गई है कि मनुष्य जीवन का एक ही सर्वोच्च लक्ष्य है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना।
ये सारी वृत्तियाँ, ये तरंग जहाँ से उठते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार होने की समझ भी जहाँ से उठती है, जहाँ से ये सारी वृत्तियाँ उठती है, उस तत्व को मैं रूप में जानकर उसके दृष्टा बनना, फिर सुख दुख मान अपमान लाभ हानि इनसे पृथक होकर मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना, सभी दुखों से मुक्त हो जाना, इसे ही हमारे शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। सदैव प्रसन्न रहना। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद्गीता में कहते हैं कि सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः, जो सुख दुख की वृत्तियों से अलग होकर सदैव सम रहता है वही सबसे बड़ा योगी है। इतनी महान हमारी संस्कृति है जो इतना गहरा जिसमें इतना गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी महान संस्कृति को छोड़कर लोग इस प्रकार के अंधश्रद्धा के पीछे उसमें फंस जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसकी एक ही सबसे बड़ी वजह है, या तो लोभ, ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, एक तो लोभ है, या फिर जो सैकड़ों सालों की हमारी जो गुलामी का समय रहा है, उस समय हमारे अनगिनत शास्त्रों को जलाया गया, हम हमारी ही संस्कृति से, हमारे ही गौरवशाली इतिहास से, ज्ञान से हम दूर हो गए। ये एक सबसे बड़ी वजह है इसके पीछे की। इस फिल्म में भी जगह जगह पर अंधश्रद्धा का उल्लेख किया गया है, नरबलि जैसी प्रथाओं का उल्लेख किया गया है, अंधश्रद्धा के दुष्परिणाम बताए गए हैं, और ये सारी बातें हमारी संस्कृति में पूर्ण रूप से निषिद्ध है। अंधश्रद्धा, काला जादू, टूना टोटका, ये सारी बातें हमारी संस्कृति में निषिद्ध है। हाँ, हमें यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि कर्मकांड और अंधश्रद्धा ये दोनों अलग बातें हैं। और जहाँ तक बात है कर्मकांड की भी, तो उसमें भी कई सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिनमें हमारे जिनका हमारे शास्त्रों में भी कोई उल्लेख नहीं है, जो समय के साथ में एक प्रकार से वो परंपराएं बनती गई, उनका कहीं पर शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है। और जो कर्मकांड है भी, वो भी अध्यात्म मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी उसे बताया गया है, चाहे वो कर्मकांड हो या तीर्थाटन हो, इन दोनों ही बातों को अध्यात्म मार्ग की सबसे पहली सीढ़ी बताया गया है। और जो सर्वोच्च लक्ष्य है, जो मैंने आपको पहले बताया आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान को सर्वोच्च लक्ष्य कहा गया है। पर अगर साधक को, जो अध्यात्म मार्ग का साधक है, उसे अगर पहले ही इस ज्ञान योग की ये सारी बातें बता दी जाए, तो वो या तो उच्छृंखल हो जाएगा या फिर उसके अंदर से श्रद्धा ही चली जाएगी। इस वजह से कर्मकांड, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये विषय काफ़ी बड़ा है, पर ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है, जिन्हें हमारी संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो लोग जब फिल्मों में ऐसी कुछ प्रथाएं वगैरह देखते हैं तो वो मन में एक धारणा बना लेते हैं, और अज्ञानता और विमूढ़ता के कारण इन्हीं बातों को हमारी संस्कृति मान बैठते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिल्मों में ये सारी कुछ बातें देखकर वो अपने ही देश की संस्कृति से नफरत करने लगते हैं, हालांकि उन बातों का हमारी संस्कृति से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस वजह से ये सारी बातें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया, ये फिल्म उसकी कहानी, उस कहानी को जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिस सिक्वेंस में उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है, इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन सारी बातों की वजह से ये फिल्म आखिर तक हमें अपने साथ में बांध कर रखती है, सरप्राइज करती है। तो बिल्कुल आप ये फिल्म देख सकते हैं। मैं एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया इस फिल्म को दूंगा 8 out of 10 stars। जय श्री राम, वंदे मातरम।